अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे GCUF में जो MPhil और PhD का टेस्ट होने वाला है उसके बारे में। सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंसर्नड अबाउट द टाइमिंग ऑफ द टेस्ट। सो लेट मी टेल यू गाइज कि जो टेस्ट की टाइमिंग है वो होगी 9 बजे, बट आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग 8 से 8:30 तक अपने अपने डिपार्टमेंट में पहुँच जाएँ, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर जब मेरा टेस्ट था ना और मैं यूनिवर्सिटी आई थी, तो 9 बजे से ना कोई 5-10 मिनट पहले की बात है कि मतलब जो हमारे न्यू कैंपस का जो मेन गेट है, उसके बाद जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाद गेट आता है, तो वो टोटली वो जो है ना ब्लॉक था, इतना लेवल का रश था। तो बेस्ट यही होगा कि आप लोग जो है ना अपने टेस्ट से 1-1.5 घंटा पहले आ जाएं, यानी कि आप 8 से 8:30 तक अपने डिपार्टमेंट में पहुँचे हो, बिल्कुल जैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होते थे और हम लोग 1 घंटा पहले अपने पेपर्स के लिए पहुंच जाते थे कि ताकि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में ट्रैफिक हो या हमें टाइम लग जाए। क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम आना है, उनको जो न्यू कमर थे उन्हें डिपार्टमेंट का नहीं पता चलता, उनको ब्लॉक का नहीं पता चलता, उनको क्लासेस का पता नहीं चलता, इस वजह से उनको जल्दी आना होगा ताकि वो उनको फाइंड कर सके। तो आप फिर किसी ना किसी से गाइडेंस लेते हैं कि जी ये वाला डिपार्टमेंट किधर है, आप लोगों को इनफैक्ट ब्लॉक का भी नहीं पता। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आना है और उनको मैंने लेकर जाना है उनके डिपार्टमेंट में, उनको नहीं पता उनका ब्लॉक किधर है, उनका डिपार्टमेंट किधर, इवन कि उनको कैंपस का भी नहीं था पता। तो इस वजह से मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, आप लोग टाइमिंग से पहले आइएगा ताकि आप लोग एटलीस्ट अपने डिपार्टमेंट में टेस्ट से पहले बैठे होंगे ना, होकर टेस्ट स्टार्ट हो रहा हो और आप लोग बाद में आ रहे हैं। और एक बात और के मतलब बच्चों को ये है कि पता नहीं हमारा टेस्ट कैसा होगा, कहाँ से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो भाई तैयारी यही है कि आप लोगों ने जिस फील्ड में टेस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आप लोग नहीं देखी तो कल की वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि आप लोग जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप फिजियोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो तो फिजियोलॉजी के आप कोर्स कंटेंट निकालो, जैसे कि एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी हो गया, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी हो गया, तो आप इस तरह के जो कोर्स कंटेंट आप बीएस में पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड, आप उसको लिखो गूगल पे, उससे रिलेटेड MCQ सर्च करो, क्विज वगैरह निकालो, क्योंकि उन्होंने तो क्विज हैं हमारे, तो लास्ट ईयर 100 MCQs आए थे और वो 100 मार्क्स के ही थे, ठीक है। फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो वाले आप MCQs या उनके थोड़ा बहुत जो डाटा है वो आप मेजर पढ़ लें, उसमें से आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत ईजी होगा, परेशानी नहीं होगी। और जिस तरह के न्यूट्रिशन की फील्ड है, न्यूट्रिशन में आप लोगों के, आप लोगों ने जो BS में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आप लोग वो कोर्स कंटेंट सर्च करें गूगल पे और उससे रिलेटेड MCQs तैयार कर लें। और एक बच्चों को ये होता है कि हम लोगों ने ना MPhil में एक से ज़्यादा फील्ड में अप्लाई किया, लाइक लास्ट ईयर जब मैं टेस्ट दे रही थी हम लोगों ने तो सिर्फ अपनी ही फील्ड में अप्लाई किया था, क्योंकि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमारा हो जाएगा और हो गया, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में माशाल्लाह से हमारा नेम आ गया था। अच्छा, तो मतलब बच्चों को ये होता है कि हम लोगों ने एक, मेरे फ्रेंड थे उन्होंने एक से ज़्यादा फील्ड में अप्लाई किया, ठीक है, कुछ तो हमारी फील्ड है ना वो हमारे न्यू कैंपस में है और कुछ जो है वो मेन कैंपस में है, तो इस वजह से फिर बच्चों को होता है कि हम कैसे एक टाइम में दोनों तरफ जाएंगे, और न्यू का मतलब डिस्टेंस भी काफ़ी है, तो इस वजह से फिर क्या करते हैं जिस डिपार्टमेंट में आपका टेस्ट हो रहा होता है आप उनको बताएंगे कि जी हम लोगों ने फलाने डिपार्टमेंट में भी अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फिजियोलॉजी का टेस्ट दिया था तो हमारी क्लास में एक लड़की थी, उसने जूलॉजी में भी अप्लाई किया हुआ, ठीक है, तो वो फिर आपके डिपार्टमेंट के साथ या आपके डिपार्टमेंट उनसे जो है ना कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपका टेस्ट वहीं आ जाएगा, ये तो कोई मसला नहीं। क्योंकि जाहिर बात है अब आप 9 बजे ही न्यू कैंपस में बैठ के टेस्ट दे रहे हो, तो अब 9 बजे ही ओल्ड कैंपस में बैठ के जाके कैसे टेस्ट दे सकते हैं, तो आपका टेस्ट उसी डिपार्टमेंट में आ जाए। अच्छा, अब हम टेस्ट के बाद के डिस्कस कर लेते हैं, लाइक आप लोगों ने टेस्ट दे दिया और आप लोगों ने टेस्ट क्लियर कर लिया और आप लोगों का नेम आ गया, लिस्ट लग जाएगी उसी वक्त, मतलब 1-2 घंटे के अंदर आपका लिस्ट लग जाएगी जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया होगा, फिर आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा। अच्छा, इंटरव्यू की भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, यानी कि आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, आप लोगों ने सबसे पहली बात तो आप लोगों ने कभी भी नहीं कहना कि हम लोगों ने साथ जॉब करनी, आपने करनी भी होगी ना तब भी नहीं कहना, क्योंकि जाहिर बात है MPhil में आपका ज़्यादा टाइम होता है BS की निस्बत, ठीक है, वो आप, भी आपके सुपरवाइजर से आप बात करके वो आपको अलाउ कर देते हैं, लेकिन इंटरव्यू में तो वो कहते हैं कि आपका कोर्स वर्क इस तरह का है, आपकी रिसर्च चल रही है, आप जॉब को लेकर कैसे चलेंगे, आप मोस्टली अलाउ नहीं करते, क्योंकि जाहिर बात है आपकी रिसर्च होती है, मैंने तो अब तक नहीं देखी जो जॉब अलाउ करते हों, बाकी हर एक डिपार्टमेंट का अपना होता है, या जिनमें इवनिंग की फील्ड में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उनकी बात तो फिर और है ना, यानी कि अब जैसे हमारा फिजियोलॉजी है हमारे जस्ट मॉर्निंग में, हमारे इवनिंग में MPhil नहीं करवाते तो हम लोग तो फिर जॉब कर ही नहीं सकते, और फिर जाहिर बात है जब हमसे पूछा गया तो हमने नो ही कहा था और वाकई हमने नहीं की,
बट फिर भी अगर आप किसी और भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करें और आप लोगों से वो जॉब के मुताबिक पूछते हैं तो आप लोगों ने कहना है नहीं हमने जस्ट एमफिल करना है और हमने इसी को टाइम देना है। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने टेस्ट में अपने साथ क्या लेकर आना है, आप लोगों का जो पेड वाउचर होगा आपने वो अपने साथ लेकर आना है और आप लोगों का जो एडमिशन फॉर्म होगा वो आपने लेके आना है और अपना आईडी कार्ड लेकर आना है। दैट्स इट, बाकी आप लोगों के पास ये पावर पॉइंट हो जिससे आप एमसीक्यूज टिक टिक कर लें और 100-100 एमसीक्यूज होप सो कि बाकी डिपार्टमेंट से भी 100 एमसीक्यूज भी ला सकते हैं, क्लिपबोर्ड भी ला सकते हैं। हां वो मतलब लेकिन चेंज रखने की जरूरत नहीं पड़ती राइट इस तरह की, ठीक है। तो चलिए जी, होप सो कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज हाजरा तहरीर, वेलकम टू रिदास ब्लॉग। ये ना स्पेल कर देना, तो मतलब जब मैं पेपर देने लगी मैं सारे काम कर रही थी। अच्छा तो हाँ, दिन रात हम बस एम फिल कर रही थी। और क्या बोला कुछ बोल रहे अपना बहुत सा ख्याल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अच्छा और दुआ में याद अल्लाह आपको ये क्या कर दिया प्लीज किया नहीं कर दिया व्यूअर्स को। ओके अल्लाह हाफिज़।